यहाँ पे कुछ तैयारी हो रही है। ये जादू कुछ होने वाला है। ये हैं हमारे फेवरेट ओरियो बिस्किट्स विद सम मिल्क। मॉर्निंग ऑफ अंकित्स बर्थडे स्टार्ट। सो वी हैव सम स्पेशल डिशेस। हलवा, तो अभी अभी हमने आरती करी है, हमने प्रसाद चढ़ाया हलवे का, बहुत ही ज्यादा यम्मी हलवा है। एंड ये वर्मिसली बिकॉज अंकित चोपड़ा की फेवरेट ब्रेकफास्ट डिश क्या है? नाइस लाइट एंड हेल्दी, एंड साथ में ऑब्वियसली सम टॉपिंग्स ऑफ प्रोटीन। The afternoon of the celebration, क्या क्या पकवान बन रहे हैं। तेल गरम हो रहा है, so definitely कुछ तो फ्राई होने वाला है। क्या बन रहा है? Oh my God, इतने बड़े-बड़े। ये तो already इतना tempting लग रहा है। This is already looking so tempting. तो इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं? Tomatoes. Oh, is it going to be red sauce pasta? So हमने थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन करने की कोशिश करी है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉप्स, राइट नव्या? क्वारंटीन बर्थडे, स्टे होम, स्टे सेफ, यू आर अ रॉक स्टार। सो हमारी पार्टी की थीम है रॉक स्टार प्लस टपोरी। सो हमारे पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं। किचन में तो चीजें ढक चुकी हैं, तो हमें नहीं पता चलेगा। यहाँ पनीर कटा हुआ है, पनीर के भी बहुत फॉर्म्स हो सकती हैं, सो वी आर नॉट श्योर। चलो बट हम अंकित को दिखाएंगे नहीं। नाउ यू हैव टू गेस एवरीथिंग। अरे हाय, ये तो बहुत ही रेलेवेंट है। अंकित का केक रिवील करने वाले हैं। दिस इज इट। सो अंकित, अब आपको बताना है, अब आपको बताना है हर एक चीज क्या क्या है। तो ये है हमारी बोर्ड गेम का तान जो हम खेलते हैं। ये तो होना ही था, फोरियम रिएक्शन। अपने बर्थडे के दिन ऑफिस की कॉल लेता हुआ अंकित चोपड़ा।
इज द फाइनल प्रोडक्ट जिसकी सबको बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट है. कुलचे चने विद प्याज. बोलो हैप्पी बर्थडे. उच्ची बोलो हैप्पी बर्थडे. मैनू नहीं सुनिया हैप्पी बर्थडे. उच्ची बोलो हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. जोर से बोलो. हेलो सासू माँ. हाँ दामाद जी. आपकी बेटी में तो दिमाग नाम का कोई चीज ही नहीं है. दामाद जी आपने तो उनका हाथ मांगा था. दिमाग की तो कोई बात नहीं करी थी. तो दिमाग का फ्रिज में रखा हुआ है. शादी से पहले कई कई लड़के ना अपनी आदत छुपा लेते कि हम तो दारू पीते नहीं. फिर जब ससुर के साथ बैठे पैग बना रहे थे ना, फिर ससुर पूछता है, बेटे आपने बताया नहीं आप दारू पी लेते. तो कहता आपने बताया था आपकी बेटी खून पी लेती है. हेलो, मैं हूं अंकित चोपड़ा. आज मैं आपको बताऊंगा कतान को जीतने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. सबसे पहले अपनी पहली रोड और सेटलमेंट रखते हुए इतना टाइम लगाओ कि दूसरा आपके कंपटीटर्स भूल ही जाएं कि उन्होंने अपनी क्या स्ट्रेटजी बना रखी है. दूसरे आपको बैंकर बनना चाहिए. बैंकर बनने से दूसरों को आपने क्या क्या कार्ड दिए हैं आपको पता रहेगा. जब भी साथ आए आप इमीडिएटली उनसे वो कार्ड अपनी मनपसंद के ले सकते हो या रॉबर रख कर आप उनसे कार्ड ले सकते हो. तीसरे आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी कंपटीटर है उसको पहले से ही अनाउंस कर दीजिए ये जीतने वाला है और बाकी सबको उसके पीछे लगा दीजिए और चुपचुपीते आप अपना जीत सकते हैं. चौथे अगर आपको कहीं ध्यान रहे कि आप हार रहे हैं तो आपको सबको ये ध्यान रखिए कि किसी को भी जीतने मत दीजिए. एक दूसरे के साथ लड़ा दीजिए